आज हम बनाएंगे वेज थाली रेसिपी, वो भी बिना प्याज लहसुन का एकदम सात्विक खाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टमाटर की चटनी बनाएंगे। तो हमने ले लिया एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे सरसों का तेल। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें 5 फोड़न, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता। उसके बाद ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक डालने के बाद हमें इसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से ढक के पकाना है, वो भी धीमे आंच पे। 15 मिनट के बाद टमाटर जो है हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे हमारी टमाटर की चटनी में कलर बहुत अच्छा आएगा। और आप अगर चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी मीठी तीखी टमाटर की चटनी तैयार है। अब बनाएंगे मिक्स वेज। तो हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें तेल डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे गोभी और गोभी को हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो सब्जियाँ यहाँ पे आप अपनी पसंद की भी ले सकते हैं। तो देखिए गोभी हमारा गोल्डन हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसी बची हुई तेल में हम जीरा ऐड करेंगे, तेजपत्ता ऐड करेंगे और हींग ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें आलू ऐड करेंगे, आलू को 2 मिनट के लिए भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, मटर और गाजर। इन सभी सब्जियों को हम 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब सब्जियों को हम 5 मिनट के लिए भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। उसके बाद हम गोभी ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। अब इसमें ऐड करेंगे नमक। अब ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि मसाला जल ना जाए। और हम सब्जियों को लगातार चलाते हुए मसालों को अच्छे से सब्जियों में ही भून लेंगे। तो यहाँ पे सब्जियों को हम 10 मिनट के लिए धीमे आंच पे भून लेंगे। तो सब्जियों का मसाला जो है अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो सॉस और इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद 2 मिनट के लिए हमें इसे और पकाना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पे हम पानी कम ही ऐड कर रहे हैं, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब सब्जी हमारी लगभग रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। तो चलिए सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है, गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हम बनाएंगे रोटी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आटा ले लिया है। अब आटा में पानी डाल के इसका हम डो तैयार करेंगे। तो अब हमारा आटा का डो भी तैयार है, अब हम बनाएंगे रोटी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आटा उठाएंगे और इसकी गोल गोल लोई बना लेंगे और इसको सूखे आटे में लगा लेंगे और उसके बाद हम रोटी बेलेंगे। तो आज हम प्लेन रोटी बनाने जा रहे हैं। अगर आपको पराठे पसंद है तो आप यहाँ पे पराठे भी बना सकते हैं, पर हम रेगुलर में जो रोटी बनाते हैं वही हम बना रहे हैं। तो चलिए गोल गोल रोटी हमारी तैयार है, अब हम इसको तवा पे डाल देंगे और रोटी को हम दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फुली फुली गर्मा गर्म रोटी तैयार है। अब हम थाली तैयार करेंगे। तो सबसे पहले कटोरी में सब्जी डालेंगे। अब टमाटर की चटनी डालेंगे। अब इसमें हम होममेड गुलाब जामुन डालेंगे। अब हम अपनी थाली में डालेंगे रोटी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे खीरा। तो हमारी थाली जो है एकदम तैयार हो चुकी है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नया आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।